हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। दोस्तों, गणपति बप्पा मोरिया शब्द में छिपा है गहरा भाव। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को क्यों कहा जाता है बप्पा, चलिए जानते दोस्तों इसके बारे में कुछ खास बातें। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, गणपति बप्पा मोरिया शब्द में छिपा है गहरा भाव। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को क्यों कहा जाता है बप्पा, बड़ी रोचक है इसकी वजह। दोस्तों, भगवान गणेश के उनके भक्त कई नामों से पुकारते हैं और उनमें से एक है बप्पा। ये नाम कैसे रखा गया, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विशेष स्थान है, उन्हें प्रथम पूजनीय कहा गया है और इसके लिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, उन्हें रिद्धि सिद्धि का दाता भी कहते हैं और बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। वे अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी स्वीकार करते हैं और उनके कष्टों को और संकटों को हरते हैं। दोस्तों, भक्त उन्हें गणेश के अलावा गणपति, गजानन, लंबोदर, एकदंत विनायक और बप्पा आदि नामों से पुकारते हैं। भगवान गणेश के भक्त बप्पा मोरिया जय जयकार खूब लगाते हैं। विशेष तौर पर जब इन दिनों में गणेश उत्सव की धूम से पूरे देश में मची हुई है तो आपने इन नारों को खूब सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोस्तों गणेश जी को बप्पा क्यों कहा जाता है और मोरिया शब्द के पीछे क्या कहानी है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो चलिए जानते दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों, ज्योतिषार के अनुसार गणपति शब्द दो शब्द में मिलकर बना है, इनमें से गण और पति शामिल है। दोस्तों, इनमें से गण का अर्थ है समूह या समुदाय, तो वही पति का अर्थ है स्वामी या प्रभु माना जाता है। ऐसे में जब ये शब्द जोड़कर गणपति, दोस्तों ऐसे में ये शब्द जोड़कर गणपति बनता है तो इसका अर्थ होता है सभी गणों के स्वामी। वही बात करें बप्पा की तो ये एक मराठी शब्द है और इसका अर्थ पिता या पिताजी है। जब कोई बच्चा अपने पिताजी को बुलाता है तो उसमें बड़ी ही करुणा होती है और उनकी आवाज़ सुनकर पिता भी जल्दी उनकी बात सुनते हैं। दोस्तों, यही भाव उस समय भी आता है जब भक्त गणेश जी को बप्पा कहकर बुलाते हैं और अपने लिए कुछ मांगते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके मन में मुराद हो तो बप्पा शब्द का उच्चारण अवश्य करें, इससे बप्पा जल्दी मानते हैं और आपकी मुराद जल्दी पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या है मोरिया शब्द के पीछे की कहानी। मोरिया शब्द गोसाई से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गोसाई नामक संत ने भी सबसे पहले भगवान गणेश को बप्पा मोरिया कहा था। कुछ धार्मिक किताबें के अध्ययन से यह बात पता चली है कि दोस्तों गणपति बप्पा नाम उनके भक्तों के प्रेम को दर्शाता है, इसलिए मंदिरों में और गणेश उत्सव के दौरान लोग गणपति बप्पा मोरिया खूब जय जयकार लगाते हैं। तो दोस्तों, आपके प्रेम भाव यदि गणपति बप्पा पर बरस रहे हैं तो गणपति बप्पा मोरिया शब्द का उच्चारण अवश्य करें, इससे आपकी मुराद जल्दी पूर्ण होती है और हर एक इच्छा बप्पा गणपति बप्पा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरिया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।